चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ कर्नल जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी इम्पैक्ट हो रही है वो कच्चा तेल और नेचुरल गैस है। रशिया और यूक्रेन काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस के मामले में ग्लोबली अगर बात की जाए, और अब दोनों में विवाद है, तनाव भी देखने को मिल रहा है, बीच में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब कच्चे तेल की जो कीमतें आगे रहेंगी और नेचुरल गैस की जो रहेंगी, ये फंडामेंटली रहेंगी या टेक्निकल इसमें खेल देखने को मिलता रहेगा? देखिए अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एक दाम निकली या कैसिया। देखिए टेक्निकल एक सेकंड के अंदर चेंज हो जाते हैं जी। जो टेक्निकल लेवल अभी सेलिंग के दिखा रहे होंगे तो आपको पता लगा कि आधे घंटे के बाद वो ही बाइंग दिखा रहे होंगे। तो टेक्निकल लेवल्स, इट इज फ्लक्चुएटिंग डाटा है, फ्लक्चुएटिंग टेक्निक्स हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना उचित नहीं है। मैं गैस के ऊपर, जो आपका नेचुरल गैस है या उसके ऊपर मैं कुछ आपको अपडेट देना चाहता हूं, और ये मेरी उम्मीद है कि ऐतिहासिक हो ये वीडियो और ये शो, और ये लाइव शो हम आज 15 फरवरी सन 2022 पे कर रहे हैं। मैं अग्रिम कुछ सूचनाएं या कुछ विश्लेषण आपसे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके जरिए। देखिए, यदि आपको याद होगा कुछ समय पहले एनर्जी क्रंच हुआ था, यानी ऊर्जा संकट हुआ था यूरोप के अंदर, जिसमें चाइना और पूरे वर्ल्ड में उसका फैलाव हुआ था। उससे औद्योगिक इकाइयों को भी बड़ी परेशानी हुई थी, और गैस आधारित जो भी उद्योग थे या इलेक्ट्रिसिटी के आधारित या बिजली पे चलने वाले जो भी उद्योग थे, उनको बड़ी समस्या और परेशानी का सबब देखना पड़ा था। आने वाले एक महीने के अंदर ऐसा दोबारा होने की संभावना है, क्योंकि रशिया और यूरोप के बीच में गैस लाइन है और गैस पाइपलाइन है, और उसके अंदर डिस्टर्ब होते ही यूरोप को एनर्जी संकट का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, या यूनाइटेड किंगडम या हो, यानी ग्रेट ब्रिटेन हो, इन सबको परेशानी का सबब हो सकता है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में पड़ता है। तो ये रूस और रशिया और अमेरिका के बीच में ये साधारण टेंशन नहीं है, क्योंकि रशिया, यानी जो रशियन प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन अमेरिका के खेमे में चला जाए, क्योंकि यूक्रेन पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी जो सोवियत रूस का एक हिस्सा था, जो डिसइंटीग्रेटेड होके अलग हो गया था, और यूक्रेन के जो प्राकृतिक संपदा का जो भंडार है, और वो अमेरिका उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पुतिन को किसी भी कीमत पे एग्री नहीं होगा वो। और यही वजह है कि काला सागर के अंदर जबरदस्त युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, उसके अंदर सबमरीन्स हैं और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और परमाणु पनडुब्बियां हैं, सारा जमावड़ा बिल्कुल उस काला सागर में हो चुका है। अब क्योंकि युद्ध हमेशा आखिरी स्तर पे होता है जी, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं समझौते के, जब युद्ध होता है वही, और ये जो युद्ध हो, यदि ये टेंशन बढ़ता है तो ये कि ये बहुत बड़ा टेंशन होगा, इसके लिए पूरे ग्लोबल इकोनॉमी, इसको इंपैक्ट हो सकती है आने वाले समय के अंदर। मुझे जो लग रहा है कि अमेरिका रशिया के ऊपर प्रतिबंध और इकोनॉमिक तरीके से उसको घेरने की कोशिश करेगा जी, जिसका असर रशिया पे पड़े, और उसके अंदर गैस पाइपलाइन सबसे महत्वपूर्ण होगा, और रशिया की इकोनॉमी, देखिए बहुत समझने की जरूरत है कि इसकी रशिया की इकोनॉमी गैस और तेल के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर है, और यदि गैस और तेल की आपूर्ति में बाधा आती है, उनकी प्राइसिंग के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, तो इससे सीधा सीधा असर रशियन इकोनॉमी पे पड़ता है, और अमेरिका संभवतः अपना ये हथियार इस्तेमाल करे। यदि आपको याद होगा कि 2018 के अंदर
यदि आप जो भी दर्शक क्रूड ऑयल को या एनर्जी को बहुत नजदीक से ट्रैक करते हैं, 2018 के अंदर सऊदी अरेबिया की मदद से अमेरिका ने क्रूड ऑयल के प्राइस 2018-19 के अंदर बिल्कुल रसातल में ले गए थे और उससे रशिया को बहुत बड़ी इकोनॉमिक संकट आई थी। और अल्टीमेटली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप सुधर जाओ वरना मैं आपको स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। स्टोन एज का मतलब जब लड़ाई ईंट और पत्थरों से होती थी, तो उस धमकी के बाद में सऊदी अरेबिया ने धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ाई और उसका असर अब वो $90 से $92 से ऊपर हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल जो है ये भी एक हथियार है जी, नेचुरल गैस ये भी एक हथियार है लड़ाई का, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये इस्तेमाल होगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ, ये हथियार यूज करेगा और आने वाले चंद सप्ताह में मार्च तक इसका असर दिखने को मिलेगा और गैस की प्राइसेज आकाश छूने लगेगी, क्रंचेज होने वाले हैं, ये ऐसा हमारा अनुमान है। यद्यपि मैं चाहता हूं कि ये हमारी भविष्यवाणी गलत साबित हो, लेकिन जो ग्रह कह रहे हैं उसको मैं आपको नहीं बताऊं तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। गौरतलब है कि आपको हमने COVID-19 की भी वैक्सीन का एब्सोल्युटली करेक्ट टाइम निकाल के दिया था और कौन सी कंपनी सबसे पहले पहल लेगी इसका भी अग्रिम अनुमान दिया था। दक्षिण पश्चिम मानसून की भी सटीक भविष्यवाणी की थी, सोयाबीन की और कॉटन की तेजी के ऊपर भी आपको सटीक भविष्यवाणी दी थी, प्याज के ऊपर अद्भुत चमत्कारिक भविष्यवाणी दी थी, इसके अतिरिक्त पल्सेस के अंदर तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी दी थी आपको, और काली मिर्च और लाल मिर्च के ऊपर भी, धनिया और कोरिएंडर, धनिया और जीरे के ऊपर भी आपको दी थी, जो कि सत्य साबित हो रही है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये होगा कि ये जीत भारतीय ऋषि मुनियों की है जिन्होंने सदियों से पहले ऐसे फार्मूले बनाए, ऐसे सिद्धांत बनाए जिससे आप सटीक अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन फायदा सिर्फ वही उठा पाते हैं जो इसको समझते हैं। वो फायदा नहीं उठा सकते जो सुबह शाम की तेजी महीने में घंटे दो घंटे के अंदर पैसा लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, फिर कर लेते हैं तो, और वो तेजी में तेजी कर रहे होते हैं, मंदी में मंदी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग कभी भी फायदा नहीं उठा सकते। जो व्यापारी हैं, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, मिल ऑनर्स हैं, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर माल खरीदना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं रॉ मेटेरियल, उनके लिए ये वरदान साबित होता है। ये अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसी के बीच कच्चे तेल और नेचुरल गैस पे मेरा एक और सवाल रहेगा। जैसे कि आपने बताया कि जो अमेरिका है रशिया पर एनर्जी क्राइसिस थोड़ा जो प्रेशर है वो बना सकता है, जिसकी वजह से जो रशिया की जो इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। ऐसे में अगर रशिया और यूक्रेन से यूरोप को होने वाली क्रूड और नेचुरल गैस की सप्लाई बाधित होती है तो क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका बीच में घुसकर उठा सकता है? क्योंकि यूरोप को ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो अमेरिका है बीच में इसलिए भी आ रहा है जिससे कि अमेरिका में की जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो ज्यादा देखने को मिले और वो यूरोप को सप्लाई कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, यही हमारा आकलन है। जी कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।